हेलो दोस्तों, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, हम लोग भी एकदम मस्त हैं। और जिस घड़ी का दोस्तों हमें इंतजार था, 22 अक्टूबर का, और आज के दिन ही स्वरा का बर्थडे है, और आज हम सेलिब्रेशन करेंगे मस्त तरीके से। और अभी हम दोस्तों फिलहाल जो एक हमारा हिंदू रीति रिवाज है पूजा पाठ का, तो पहले सबसे पहले स्वरा पूजा पाठ करेगी। नवग्रहों का जो पूजन होता है वो मैं इससे करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद संस्कृत पढ़ी हुई है, तो मैं सबसे पहले स्वरा के हाथ से नवग्रह पूजन करवाऊंगा। उसके बाद हम आरती करेंगे, और उसके बाद इसकी मम्मा खाना वगैरह आज बनाएगी, और कुछ लोग यहाँ पर हमने इन्वाइट किए हुए तो वो लोग आएंगे। और दोस्तों आज मस्त तरीके से बर्थडे मनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और खूब सारा एंजॉय करेंगे। और रात को जो है केक काटेंगे और खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद चाय वाय, और साथ में डांस वांस चलेगा। ये ऋषभ और मुन्ना और मृदुल और मैं और स्वरा की मम्मी, वैसे तो सभी डांस करेंगे, स्वरा भी मस्त तरीके से डांस करेगी। तो दोस्तों बने रहिएगा व्लॉग में, चलिए चलते आगे की ओर। तो स्वरा, आज किसका बर्थडे है बेटा? मेरा सच सच में में। आज एंजॉय करेंगे, हम हाँ मजे जी करेंगे। हाँ जी तो चले पूजा करने, हाँ जी पक्का? सबको पक्का। सबको जय श्री राम जी बोलो। जय श्री और बोलना, और बोलो सब मुझे ना कमेंट करके हैप्पी बर्थडे बोलना। मार करके हफ्ते बजे मुन्ना मुझे और ढेर सारा प्यार देना, और ढेर सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना। हाँ ठीक है। ठीक है हाँ दोस्तों, अपना इस बच्ची को, मेरी बेटी को खूब सारा प्यार दे, और हैप्पी बर्थडे जरूर लिखें। देनी और क्या? वो ये लो, इसको फूल को हाथ में लो, ठीक है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रवा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारिषु सर्वदा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल स्वरा के बर्थडे की आज तैयारी चली हुई है बड़े जोरों शोर, और यहाँ पे पास में ही बैठे हैं भाभी जी, हमारे पड़ोसी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो डेकोरेट किया जा रहा है वो सिर्फ मेरी वाइफ के द्वारा ये सारा कार्य किया जा रहा है, और साथ में थोड़ा सा जो सहयोग किया जा रहा है वो हम भाभी जी कर रहे हैं, और स्वरा कर रही है ढेर सारी मस्ती। इधर आओ, सबको बोलो हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों आज ब्लॉग में आप बने रहिए, क्योंकि आज ढेर सारा मनोरंजन होगा, और जो रात को जो प्रोग्राम होगा डांस वांस वो जबरदस्त होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी है, और कुछ मेहमान आ चुके हैं, और ये हैं सामने इस साइड बबीता जी, और ये हैं इस साइड मनीषा जी। और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही सुंदर तरीके से लाजवाब इन्होंने डेकोरेशन की है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्वरा कितनी मस्ती कर रही है। खुश है बेटा? कितनी खुश हो? आज किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे बेटे? स्वरा पंडित। अच्छा, कौन कौन आ रहे हैं? नानी भी आ रही है? नानी और नानी के साथ कौन आ रहा है, जल्दी बोलो। मृणल? पक्का? ठीक है। तो दोस्तों बने रहेगा ब्लॉग में, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं किस तरह से हम आज का जो प्रोग्राम है स्वरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देखिएगा किस तरह से मस्ती करेंगे। स्वरा को इतनी जल्दी लगी है कि पूछिए मत। क्यों, अभी काट देना? काट दे? नहीं नहीं यार, थोड़ी देर रुक जाओ, सबको दो ना। अभी रीशु भी नहीं आया, रूपाली भी नहीं आई है, आपकी दादी भी नहीं आई, तो थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है? मुन्ना भैया बोलते बेटा, बस आने वाले, फिर उसके बाद काटेंगे। चाय भी है यार नीचे, देख ये क्या कर रहा जी। फिर से कह दो नमस्ते सबको। ये देखिए, ये है हमारी दाल मखनी। वाह यार, सच में ही मस्त लग रही है देखने में, खाने में तो मस्त होगी। और ये है हमारी कढ़ी, ये देखिए ये हमारी कढ़ी है, अच्छा। और यहाँ पे ये है, हमारा ब्रेड का मीठा है, वाह यार वाह, मुंह में तो पानी आ रहा है यार। ये हमारा दोस्तों मटर ये पनीर है तैयार मटर है। पनीर, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे रखे हैं भाभी जी ने अभी
लोकल हमारे कुल भी लाल चावल जो कि 400 और 350 रुपए किलो पर केजी रहते हैं। ये देखिए दोस्तों एक और मेहमान आ चुके हैं मुन्ना जी, चलिए जो कि जो म्यूजिक सिस्टम है इसको ऑपरेट भी करते हैं और अच्छा सा डांस भी करते हैं। आज आपको मस्त डांस दिखाने वाले हम सभी। देखिए हमारे दीदी जी आ चुके हैं और साथ में नहीं आए कोई? नहीं, अच्छा पूजा कर रहे हैं। जीजा जी ये है नीतू जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। समय हो चुका है वैसे केक काटने का, बैठिए। दोस्तों फाइनली सभी मेहमान पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं अभी दो मेहमान और आए साथ में, तो फाइनली अब हम केक काटने जा रहे हैं। तो सोरा केक काटें, मुंह से बोलो बेटा। तो आओ फिर, ठीक है। देखिए सोरा को ढेर सारी चॉकलेट बड़ी दीदी ने दी, अच्छा लग रहा है बेटा। रात के 12 बज चुके हैं और बहुत ही मस्त डांस किया इन लोगों ने, आप देख सकते हैं सभी पूरी तरह से थक चुके हैं। नहीं थके हैं बिल्कुल, अभी फ्रेश है, अभी हम एक घंटा डांस कर सकते हैं। पक्का आप लोग देख लो, फिर ना बोलना। मिनल तो कर नहीं रही है डांस, मिनल तो ऐसी बैठी थी आज। तो दोस्तों रात के 12 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं और हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं,
वैसे भी 12 बजे के बाद थोड़ा गाना बजाना ज्यादा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हमारे पुलिस विभाग से यहाँ दीदी खड़े हुए, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। आंटी को बुला लेंगे। तो आज स्वरा का बर्थडे था दोस्तों, आपको कैसा लगा? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट ही हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।